नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और हम आज आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं कि आपकी जो UP SSC PET एग्ज़ाम हुआ था उसकी रिवाइज आंसर की आ गई है, उसमें किस शिफ्ट को फुल मार्क्स मिले हैं, कितने क्वेश्चन के फुल मार्क्स मिले हैं और किस शिफ्ट को एक भी फुल मार्क्स नहीं मिला है, उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। और आप कैसे चेक कर सकते हैं, अब यहाँ पर जो आंसर की दी गई है वो सेट वाइज दी गई है, तो आपको चेक करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए चलते हैं, हम कैसे सर्च कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना, गूगल क्रोम में जाना है और यहाँ पे जा करके आपको UP SSC सर्च करना है। क्या करना है, UP SSC। अब यहाँ पे देखिए UP SSC जा रहा है, इसी पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे, लिख कर रहिए और यहाँ पर पहली ही साइड आ रही है UP SSC, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसे आप डेस्कटॉप वर्जन पे कर लीजिए, डेस्कटॉप साइड पर इससे आप कर लेंगे तो आपको पूरा इसका फुल व्यू दिखाई दे जाएगा। अब आप नीचे की साइड पे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ये आपको देखिए नोटिस बोर्ड के नीचे लिखा हुआ है 5/10/2021 विज्ञापन संख्या 1 परीक्षा 2021 प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के अंतर्गत। अब इसी पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपका आगे डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, तो यहाँ पे हम इस ब्रश को ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये देखो लिखा हुआ है, ये वाला पोर्शन में बता रहा था। अब आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप सीधे ये आपको जो पेज है वो डाउनलोड हो जाएगा, और डाउनलोड होने के बाद इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो आपको पूरी पता चल जाएगी। अब जैसे ये डाउनलोड होता है उसके बाद हम आपको बता देते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कितना डाउनलोड हो गया है, देखते हैं। तो अभी ये डाउनलोड हो रहा है, और डाउनलोड होने के बाद जैसे ही ये डाउनलोड हो जाता है वैसे ही हम आपको बताते हैं। तो देखिए ये डाउनलोड हो चुका है, और यहाँ पर क्या दिया गया है, क्या बताया गया है, वो भी आप यहाँ पर पढ़ लीजिए। ये विज्ञापन संख्या के बारे में बताया है, इन्होंने कहा है कि हमने 24 को एग्ज़ाम कराया था 2 पालियों में। ठीक है, अब इसकी जो उत्तर की दी थी वो 31/8/2021 को वेबसाइट पर अपलोड की गई थी। अब उसके बाद इन्होंने दिया है कि पहले हमने जो यानी सेट्स से जिससे चेक कराए थे उन सेट्स का नाम दिया हुआ है। अब इसके बाद यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे पढ़ सकते भी हैं आप, देखिए उपर्युक्त दिनांक 31/8/2021 को अपलोड की गई उत्तर कुंजी के सापेक्ष प्राप्त आपत्तियों विषय विशेषज्ञों द्वारा निराकरण के फलस्वरूप प्रश्नगत परीक्षा में प्रथम पाली के प्रश्न पत्र, ये सेट संख्या दी हुई है, कि प्रकाशित उत्तर कुंजी में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, इसकी कुंजी में कोई परिवर्तन नहीं है। अब किसकी कुंजी में परिवर्तन किया गया है वो भी आपको यहाँ पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगला पॉइंट आप पढ़ेंगे, तीसरा पॉइंट इसमें लिखा है द्वितीय पाली के प्रश्न पत्र इतने संख्या में 3 प्रश्नों में श्रुतपूर्व माना गया इनको, और क्या कहा गया है, एक प्रश्न के उत्तर विकल्प में परिवर्तन नहीं किया गया है। तदनुसार द्वितीय पाली की उत्तर कुंजी में श्रुतपूर्व प्रश्नों के सम्मुख फुल मार्क्स दर्शाया गया है, जिसके लिए परीक्षा में उपस्थित सभी अभ्यर्थियों को पूर्ण अंक प्रदान करने का निर्णय लिया गया है आयोग ने, जिसने मतलब किया है नहीं किया है, पर उन्हें आपको फुल मार्क्स उनके सबको मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि वो श्रुतपूर्व थे, और इसमें एक जो क्वेश्चन दिया गया है, एक प्रश्न के उत्तर विकल्प में परिवर्तन किया गया है, अब इसमें परिवर्तन किया गया वो भी आपको हाईलाइटेड मिलेगा। और यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 कह रहा है कि आयोग की उक्त दिनांक 31/8/2021 के क्रम में समस्त अभ्यर्थियों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि अभ्यर्थी प्राप्त आपत्तियों पर विषय विशेषज्ञों द्वारा उक्त निराकरण के उपरांत प्रथम पाली के प्रश्न पत्र इतनी संख्या के 8 सीरीज की संशोधित उत्तर की कोई परिवर्तन नहीं है इसमें। तो आप चेक करें ना चेक करें, अगर आपने पहले चेक कर लिया है तो आपको कोई चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सेम टू सेम है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। ठीक है, ये बाकायदा से लिखा हुआ है। और यहाँ पे देखिए क्या क्या कहा गया है कि उत्तर कुंजी अभ्यर्थियों के अपलोड का अवलोकन आयोग की वेबसाइट इतने पर जा करके अभी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए नीचे ही साइड आप जैसे ही करेंगे तो ये सेट वाइज आपको मिल जाएगा। देखिए तो यहाँ पर देखेंगे आप तो यहाँ पे शिफ्ट 1 का दिया गया है, इसके कोई चेंज नहीं हुआ है, तो आपको कहीं भी इसमें चेंज दिखाई नहीं देगा, आपको सेम टू सेम दिखाई देंगे, पर आप अपने सेट के हिसाब से चेक कर सकते हैं चाहें तो। देखिए यहाँ पे देखिए ये आपका पड़ा हुआ है जैसे शिफ्ट नंबर 1, सेट नंबर, सीरीज नंबर ए,
इस तरीके से आपको सभी सीरीज की मिल जाएंगी। आप जाएंगे तो देखिए यहाँ पे आपका बी सीरीज का हो गया, इसी तरीके से आपको सब सीरीज की यानी प्रथम पाली की मिल जाएंगी। आप अपने इंडिविजुअल चेक कर सकते हैं, ये ई नंबर का था, ये एफ नंबर का आपका आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट का ही चल रहा है अभी, और यहाँ पे जैसे सेकंड शिफ्ट का आता है वैसे मैं आपको बताता हूँ। ये है सेकंड शिफ्ट का, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए, सेकंड शिफ्ट में ये आपका रिवाइज आंसर की इन्होंने बताया है कि रिवाइज किया गया है सीरीज नंबर ए, रिवाइज है। इसमें आपको किस किस के फुल मार्क्स मिले हैं, तो ये देखिए सेट नंबर जिसका भी ए है उसको क्वेश्चन नंबर 54 में फुल मार्क्स मिला हुआ है, ठीक है। ऐसे ही एक ऑप्शन का आंसर चेंज किया गया है, तो ये इसमें देखो यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है डी, ये आंसर चेंज किया गया है। और यहाँ पर 26% का आपको फुल आंसर मिला है, फुल नंबर मिला है, और आपको एक और मिला है, ये मिला है 96 का, ये सेट नंबर ए की बात कर रहा हूँ। इसी प्रकार से जैसे सेट चेंज होगा तो उसी हिसाब से आपका क्वेश्चन भी चेंज हो जाएगा कि किसका फुल मार्क्स मिला है। देखो इसमें सेट बी में इसको 10 को मिला है, इस तरीके से आपको यानी एक क्वेश्चन का तो आंसर चेंज हुआ है और तीन के फुल मार्क्स मिल रहे हैं। तो अब आप अपने मिला सकते हो, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है मिलाने में इसमें, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको आंसर दे दूंगा, ठीक है। और आपको कोई दिक्कत होती है तो आप हमसे पूछ सकते हो, इसमें भी कोई अगर आपको दिक्कत होती तो आप हमसे पूछ सकते हो। अब देखिए क्या है कि ये आपको मैं इनकी दोनों की लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप डायरेक्ट ही इनको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक यू।